दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक टेक्निक जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के पास आपका कितना राशन, क्या क्या राशन, किस महीने का आया हुआ है और आप अपना सामान उसे ले सकते हैं। साथ ही आप जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड का डिटेल्स क्या है, उसमें कितने यूनिट्स हैं, उनमें कितने यूनिट्स एक्टिव हैं, किन लोगों का आधार राशन कार्ड से जुड़ा है और किनका आधार राशन कार्ड से नहीं जुड़ा है। इन सारी बातों को आप जान सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ स्क्रीन पर एक गूगल ब्राउज़र दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको सर्च करना है AEPDS आपको सर्च करना है। तो देखिए हम सर्च कर दिए। तो जब आप AEPDS सर्च कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, AEPDS बिहार। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो बिहार सरकार का एक वेबसाइट जो है कि खुल कर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यह होम पेज है, बिहार सरकार का सरकारी वेबसाइट है जो कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ही वेबसाइट है। तो इसमें आपको दूसरे नंबर पर आरसी डिटेल का मतलब हुआ राशन कार्ड डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस उभर कर सामने आएगा। इसमें जो है आपको एक कॉलम में मंथ, दूसरे कॉलम में ईयर और तीसरे कॉलम में राशन कार्ड नंबर। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। मंथ में आप जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे अभी मई चल रहा है, मई 2020, इसके अलावा भी पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इसमें जो है कि ब्यौरा है। कोई भी मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मई चल रहा है, मई सिलेक्ट है, मैं उसी पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जो है कि मई पर मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, मई सिलेक्ट हो गया। तो अब इसमें बता रहा है ईयर, साल। तो साल सिलेक्ट करने के लिए इसमें चार ईयर का 2017 से लेकर 2020 तक का आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो मैं 2020 चल रहा है तो 2020 को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ जो आरसी नंबर है इसमें मांग रहा है राशन कार्ड नंबर। तो इसमें आपको अपना राशन कार्ड नंबर इंटर करना है, जैसे मैं एक राशन कार्ड का नंबर इंटर कर दे रहा हूँ। अब देखिए एक राशन कार्ड का नंबर मैं इसमें इंटर कर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और इसको क्या करना है, जब इसमें आप राशन कार्ड का नंबर इंटर कर दीजिएगा तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यह नंबर जो है कि वैध नहीं है, इसलिए जो है कि अभी फिर से मैं दूसरा नंबर इसमें इंटर करके दिखा दे रहा हूँ। फिर से मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए जब आप अपना राशन कार्ड इसमें नंबर डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें सीरियल नंबर रहेगा, जितने लोगों का नाम आपके राशन कार्ड में होगा सभी लोगों का नाम आ जाएगा। और उसके बाद में उनका जो है कि मेल फीमेल क्या है वह आ जाएगा। उसके बाद में एज आ जाएगा। और उसके बाद में स्टेटस आएगा जिसमें आपको बताया रहेगा कि एक्टिव है कितने। तो इसमें चार लोग हैं, चार एक्टिव हैं। और यहाँ जो है कि UID स्टेटस यानी कि आधार का स्टेटस बताएगा कि आपका आधार लिंक है कि नहीं। तो इसमें तीन आदमी का आधार लिंक है और एक आदमी का आधार लिंक नहीं है। तो यह नॉट सीडेड लिख रहा है यहाँ पर, देखिए। और ये सब जो है कि लिंक है, सब लिंक है। तो इसके बाद में आपको बताते हैं कि इसमें राशन कितना आया है। तो 8 kg गेहूँ आया है और 12 kg चावल आया है। 20 किलो तो यह जो है कि आया हुआ है। और उसके बाद पीएम
जे के वाई राइस, यानी कि अभी COVID-19 की महामारी चल रही है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 20 kg राइस आया हुआ है, और यानी कि 40 kg अनाया हुआ है, और यहाँ देखिए PMJKY दाल 1 kg, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 kg दाल भी आया हुआ है। तो टोटल अनाज हो गया, जो रेगुलर अनाज मिलता था 8 kg और 12 kg, वह 20 kg है, और यहाँ जो अभी महामारी के अवसर पर सरकार दे रही है 20 kg, वह चावल अलग से आया हुआ है और 1 kg दाल आया हुआ है। तो यह जो है कि आपका सामान आया हुआ है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यह उठाव हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पर लिख रहा है नॉट ट्रांसेक्शन डीलर डिटेल्स फंड, यानी कि अभी यह सामान जो है कि डीलर के यहाँ पड़ा हुआ है, डीलर के यहाँ से उठाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने जन वितरण प्रणाली के यहाँ दुकानदार के पास कितना सामान आपका है, यह सारी बात को आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं, जैसे कि यहाँ 4 यूनिट्स दिखा रहा है, कितने लोगों का यूनिट एक्टिव है यह भी दिखा रहा है, और कितने आधार लिंक है वगैरह वगैरह। और जब आप उठाव कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्वयं जो है कि ऐड हो जाएंगी और उसको आप देख सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी फायदा यह होगी कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। मान लीजिए अभी 1 kg दाल आया हुआ, तो आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ दाल जो है कि PMJKY दाल 1 kg लिख रहा है। तो इस तरह का फायदा आपको होगा, आपके राशन कार्ड का स्टेटस, राशन का स्टेटस आपको मिल जाएगा। तो आप भी चेक कीजिए और लोगों को भी लाभ दिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको देख सके। वैसे तो मेरा न्यू चैनल है, लेकिन मैं टेक्निक वाला वीडियो भी डालते रहता हूँ, इसलिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए फिर से आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।